सोलन के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके गंज बाजार में रात को एक तेज रफ्तार बेकाबू इनोवा कार ने दहशत मचा दी। हद तो इस बात की है कि यह कार सर्कुलर रोड से आते हुए कई व्यवसायिक परिसरों को नुकसान पहुंचाते हुए गंज बाजार पहुंची, जहां वह पहले सब्जी वाले की फड़ी पर चढ़ गई, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने फिर गाड़ी और तेज कर दी, जिसकी वजह से सड़क पर आ गए खड़े एक और दुकानदार और उसकी गाड़ी से टकरा गया और वह गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बच गया। हद तो यह है कि उसके बावजूद भी गाड़ी वाला नहीं रुका और मौके से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। अधिक जानकारी देते हुए घायल लोगों ने बताया कि गाड़ी बेहद रफ्तार से आई और उन्हें हिट कर वहां से फरार हो गई। उन्होंने कहा कि वह गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बच गए, अन्यथा वह बड़ी घटना हो सकती थी। साथ ही में गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गाड़ी भगाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि वह इस तरह से किसी के जीवन से खिलवाड़ न कर सके। मैं माल रोड से अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं जाके संजू सब्जी वाले की दुकान से मैंने पेमेंट लेनी थी। मैं उसके पास खड़ा हुआ, एक परे सर्कल रोड से एक इनोवा कार आई, उसने हिट करती हुई पहले उन्होंने आलू सब्जी एक पुरुषोत्तम के लड़के की सब्जी को और पीछे से रजिंदर कुमार जी की सीढ़ियों को तोड़ते हुए आया सर्कल रोड से। वो पीछे से लोग उसके पीछे भाग रहे थे, मगर वो रुका नहीं। वो हम दोनों जने वहाँ खड़े हुए थे, मैं और फारूक। उन्होंने हमारे ऊपर इतनी ज़ोर से रन रट किया कि मेरी बाजू में भी चोट लगी और खान साहब के सारे कपड़े और सब्जी सारी जो है सड़क में गिर गई। लोग उसके पीछे भागे, उसके पीछे हमने पत्थर भी मारा, मगर तब भी नहीं वो रुका। ऊपर मोटरसाइकिल तक लेके गए, टैंक रोड तक, वो कोई पकड़ में नहीं आया। वो पता नहीं चला सर वो कहाँ चला गया। और हमारी जो है इतनी जोर बाजू में चोट लगी है कि आप आगे पता नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं, मगर इस टाइम मेरे इतनी दर्द हो रही है क्योंकि उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो लड़के थे कि आज हमारे को मारा कल किसी को भी मार सकते हैं। वो इतना भीड़ वाला बाजार है कि उसके ऊपर वो पकड़े नहीं गए कि कितनी उसके अंदर देख लो कि वो है कि शहन शक्ति नहीं थी कि वो बंदों को कुचलते हुए चले गए कि उन्होंने नशा किया हुआ था, पता नहीं क्या किया हुआ था सर, हमें कुछ पता, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन से वासुमदान की रिपोर्ट। प्रदेश का सबसे बड़ा गैर सरकारी मेला लगातार 16 सालों से आयोजित, इस साल 15 सितंबर से 22 सितंबर तक डायनामिक इंडिया युवा मंडल पेश कर रहे हैं स्टारवा हिमाचल उत्सव ठोडो ग्राउंड सोलन में। ब्रॉट टू यू बाय गोल मोटर सोलन। लोक कला संस्कृति और जीवन शैली का शानदार उत्सव, मजा लीजिए 8 दिनों तक सांस्कृतिक संध्याओं का हिमाचल और पंजाब के स्टार कलाकारों के साथ। साथ ही 100 से ज्यादा सोलन शॉपिंग फेयर के स्टाइल्स तथा झूले भी, राज्य स्तरीय कबड्डी का फोड़ा मैच, स्कूली बच्चों की डांस प्रतियोगिताएं, हिमाचल आइडल गायन प्रतियोगिता और उभरते गायकों की स्टार नाइट्स तथा और भी बहुत कुछ। और हाँ, खाने के शौकीनों के लिए लजीज फूड फेस्टिवल और हिमाचली व्यंजन खास आकर्षण। तो लॉक कीजिए डेट्स 15 से 22 सितंबर ठोडो ग्राउंड सोलन में। हिमाचल उत्सव में परफॉर्मेंस देने के लिए ऑडिशंस 10 सितंबर को सोलन में। संपर्क करें 96251 11411, 94180 73600, 98571 31325। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।